हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आपका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ CBSE बोर्ड बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आपको इसके लिए किसी तरह की कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अपना पार्ट 6 जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। मतलब कि हम अपने पार्ट 6 में किसकी बातें कर रहे थे? हम सजीवों के बारे में बात कर रहे थे, उनकी विशेषताएं जान रहे थे, उनके आवास जान रहे थे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? हमारा आज का टॉपिक होगा हमारे आसपास के जीव। अब हम अपने आसपास के जीवों के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बार क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखो, हमने देखा है सबसे पहले क्या देखा है, हमने देखा है सजीव एवं उनका परिवेश, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा, हमने इसके बाद जाना आवास एवं अनुकूलन, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद हमने की विभिन्न आवासों की यात्रा। अब इसके अंतर्गत आता क्या है? तो देखो, इसके अंतर्गत आ जाते हैं हमारे, एक होते हैं स्थलीय आवास, और एक क्या होते हैं, एक होते हैं हमारे जलीय आवास, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, स्थलीय आवासों की, तो स्थलीय आवास में देखिए, स्थलीय आवास में भी क्या, हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, घास स्थल, ठीक है, ये तीन हमने जाने किसमें, अपने स्थलीय आवास में। जलीय आवास की भी बात कर लेते हैं, तो जलीय आवास में हमारा समुद्र जलीय आवास है, दूसरा तालाब, झील एवं क्या हो जाएंगी, नदियां, ये सभी क्या हो गए, ये सभी हमारे जलीय आवास हो गए। तो देखो, पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा सजीव और उनका परिवेश, के सजीव होते क्या हैं और उनका परिवेश क्या होता है, उनके आसपास का परिवेश कैसा होता है, कैसे परिवेश में वो रहते हैं, अपने आप को ढालते हैं। फिर उनके आवास की बात की कि उनका आवास, उनका घर कैसा होता है, है ना, और आवास में किस प्रकार से वो रहते हैं, कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने जाना अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन किस प्रकार से होता है, अनुकूलन जो है वो जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने विभिन्न आवासों की यात्रा वाला टॉपिक देखा था, ठीक है, और इस टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। इसमें हमारे पास आवास की बात करें तो दो तरह के आवास आ गए थे, एक थे स्थलीय आवास जो कि ज़मीन वाला भाग होता है, दूसरा है जलीय आवास जो क्या है, जहाँ पर जल होता है।
स्थलीय आवास में हमने क्या देखा, हमने मरुस्थलीय क्षेत्र देखे। मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसे जीव रहते हैं, कैसे पौधे रहते हैं और वो वहाँ पर उस जगह के उस परिवेश में कैसे अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र पर गए हम। पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, किस प्रकार के पौधे होते हैं, किस प्रकार के जीव होते हैं और ये अपने अपने आप को, क्योंकि भाई मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत गर्म था, पर्वतीय क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, तो उस ठंडे प्रदेश में अपने आप को वहाँ की जो जलवायु है उसके अनुसार कैसे ढाल लेते हैं, कैसे अनुकूलित हो जाते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ देख ली थी। उसके बाद हमने घास स्थल वाले भी देखे थे, जो नॉर्मल प्लेन्स होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, घास स्थल होते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं और वो कैसे उस घास स्थल पर अपने आप को अनुकूलित बनाते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना घर बनाते हैं, किस प्रकार से वो रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ देख ली थी, यहाँ पर देख ली थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, जलीय आवास की, तो ये जो जलीय आवास है इसमें क्या आ जाता है, इसमें समुद्र आ जाता है, ठीक है। समुद्र जो है, समुद्र के जो जीव दिखेंगे, समुद्र में जो पौधे दिखेंगे वो बिल्कुल अलग दिखेंगे हमारे स्थल क्षेत्र के पौधे और जीवों से, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार से रहते हैं वहाँ पर, अपने आप को क्या करते हैं, उस अपने परिवेश के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, क्यों, क्योंकि भाई समुद्र में भी कई तरह के जीव पाए जाते हैं। मछलियाँ होती हैं, मछलियों का शरीर आपने देखा होगा बहुत अलग होता है, कैसा होता है मछलियों का शरीर, इनका शरीर तो भाई धारा रेखीय होता है। वहीं बात करूं मैं अगर ऑक्टोपस और स्क्विड की, तो वो अलग होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को वहाँ के वातावरण में अनुकूल बनाते हैं। तालाब, झील और नदियों में भी किस प्रकार के जीव, किस प्रकार के पौधे रहते हैं, ये भी हमने देख लिया था। तो लगभग हमने इतने टॉपिक क्या कर लिए हैं, अपने कवर कर लिए हैं। इससे पहले की बात करूँ तो ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा पार्ट 6 चल रहा है बच्चों, और इसके पहले पार्ट 1 से लेकर के 5 तक की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं, कोई भी टॉपिक छूट गया है, नहीं देखा, चैप्टर ही नहीं देखा, या आप हमसे आज ही जुड़े हैं, या पार्ट 6 का भी इनमें से कोई टॉपिक आपका छूट जाता है, तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए प्लेलिस्ट पे जाना है, सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको मिल जानी है, वहाँ से आप अपने चैप्टर्स उठा सकते हो और उनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना कि मैम हमको चैप्टर कैसे मिलेंगे, मैंने सारी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, अपनी तरफ से बता दिया कि नहीं मिल रहा कुछ भी, तो बस प्लेलिस्ट पे जाओ और सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, है ना, हमें यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, हमारे आज का टॉपिक होगा हमारे आसपास के जीव, तो हम इनके बारे में आज जानेंगे। तो हम अपने जीवों के बारे में जानें, उससे पहले काम करो, फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दो, है ना, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक आ रहे हैं, बड़ा मज़ा भी आ रहा है। तो चलो जल्दी जल्दी से इसके लिए क्या करो, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर भी करो और देखो अपनी प्रेजेंट लगाना भूलना नहीं है। प्रेजेंट लगाने के लिए करना क्या है, बस लाइक बटन पर क्लिक करना है, तो जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगाओ और फिर हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओके, तो चलो देखो, वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई मतलब कि मॉस, वन में पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब अगर हम बात करें कि जंगल में किस किस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें भाई पेड़ मिल जाते हैं, आरोही लता भी मिलेंगी। आरोही लता कौन सी होती हैं, जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। विसर्पी लता भी मिलेंगे, जो कहाँ, नीचे की तरफ चलती हैं। छोटे बड़े जंतु हर प्रकार के मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रकार के पक्षी मिलेंगे, सांप मिलेंगे, कीड़े भी होंगे बहुत सारे अलग अलग तरह के, चट्टानें देखने को मिलेंगी, पत्थर देखने को मिलेंगे, मिट्टी होगी, पानी होगा, है ना, छोटे मोटे क्या होते हैं, तालाब हो जाते हैं जंगल के अंदर ही, या फिर कोई गड्ढा होता है उसमें पानी भर जाता है तो धीरे धीरे वही तालाब में बदल जाता है। हवा तो होगी ही होगी, साथ में पेड़ों की पत्तियां भी नीचे गिरेंगी तो सूखी पत्तियां होंगी। मृत जंतु भी होंगे, अब जंगल में तो कोई जंतुओं को कुछ करने नहीं आता भाई, वो जिंदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, तो मृत जंतु भी वहां पर पाए जाएंगे। छत्रक मतलब कि क्या, मशरूम, है ना, ये क्या होते हैं, ये भी एक तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, ये भी उसमें आ जाएंगे, तो ये भी क्या है, छत्रक भी होंगे। काई भी देखने को मिलेगी, काई टाइप के ये भी क्या है, एक तरह के पौधे ही होते हैं, तो ये भी, ये सारी चीज़ें हमें वन में देखने को मिल जाएंगी।
अब देखो, कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। अब अगर हम बात करें, अपने घर में कई तरह की वस्तु पाई जाती हैं, उनमें से कुर्सी की, मेज की, पत्थर की, कोई एक सिक्के की, तो ये सारी चीज़ें सजीव नहीं हैं। कैसी हैं? ये सभी चीज़ें निर्जीव हैं। क्या हैं? निर्जीव हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? निर्जीव हैं। जैसे मिट्टी की बात कर ली, निर्जीव है। पत्थर निर्जीव है, चट्टान निर्जीव है, जलवायु निर्जीव है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? निर्जीव हैं, जिनमें जान नहीं है। संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। अब अगर हम सजीवों की बात करें, तो संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी कुत्ता हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, गिलहरी हो गई, कीड़े हो गए, इस तरह के जो भी जंतु हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी सजीव की श्रेणी में आते हैं। कभी कभी ये निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। अब यहाँ तो हम देख के बता रहे हैं कि यार ये सारी चीज़ें क्या हैं? निर्जीव हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सजीव हैं। पर कभी कभी हमको ये निर्णय करना कि कौन सी चीज़ सजीव है और कौन सी चीज़ निर्जीव है, ये करना इतना आसान नहीं होता। और ऐसा क्यों? तो देखो, ऐसा इसलिए, पौधे सजीव हैं परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। हमने कहा कि सजीव जो हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं? कि वो चल सकते हैं, गति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पौधे की बात करें तो ये तो नहीं चलते, है ना। लेकिन पौधे क्या हैं? पौधे जो हैं वो सजीव तो हैं, परंतु क्या ये गति करते हैं? प्रश्न क्या आता है? क्या यह गति करते हैं? तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी कि पौधे जो हैं वो सजीव हैं और वो गति भी करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो नहीं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। मतलब कि वो क्या नहीं करते? वो गमन नहीं करते, ठीक है। लेकिन उनमें गति होती है, तो हाँ भाई, उनमें गति होती है। आगे जानो तो पता चलेगा। देखो, दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। अब क्या है? अब भाई, कार और बस, ट्रक, इन सब की बात हो रही है। अगर मैं पूछूं क्या कार जो है ये सजीव है, तो नहीं, आप बोलोगे ये निर्जीव है। पर ये तो गति कर रही है, गति भी कर रही है और गमन भी कर रही है ना। एक जगह से दूसरे स्थान तक तो जा रही है ये, तो ये जो है, क्या ये सजीव नहीं है? तो नहीं, हम बोलेंगे नहीं, ये तो निर्जीव है। इसीलिए क्या होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि चल तो ये भी रहे, लेकिन हम इसे निर्जीव कहते हैं, और ये तो चल भी नहीं रहा, फिर भी हम इसे सजीव बोलते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। अब देखो, होता ये है कि अगर मैं बात करूँ किसकी, एक कार की, है ना, एक साइड ले लेती हूँ मैं, एक साइड ले लेती हूँ कार और दूसरे साइड ले लेती हूँ पौधा। तो अगर हम देखें तो ये चल नहीं, ये चल सकती है, ये चल नहीं सकता। पर अगर हम बात करें तो ये जो है, ये क्या करते हैं? ये वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? ये वृद्धि करते हैं। क्या कारें वृद्धि करती हैं? बताओ जल्दी, वृद्धि करती हैं क्या कार? एक जो पौधा है, जब हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम घर में छोटी सी खिलौने वाली कार लेके आएंगे, तो ऐसा तो नहीं एक दिन वो बड़े होते होते बड़ी कार बन जाएगी, है ना। फिर तो हम सारे छोटी बच्चों वाली कार ही लेके आ जाते हैं। तो जो छोटी कार है वो वृद्धि नहीं करेगी। निर्जीव वस्तुएं वृद्धि नहीं करती, लेकिन पौधे जो हैं, जंतु जो हैं, सजीव वस्तुएं जितनी भी हैं, वो क्या करती हैं? वो वृद्धि करती हैं, उनमें विकास होता है,
ठीक है। तो ये पहली चीज़ कि हम क्यों पौधा को सजीव बोलते हैं और क्यों कार को निर्जीव कहते हैं, क्योंकि सजीवों का एक गुण क्या है कि वो वृद्धि करते हैं, और जब हम इन दोनों में देखते हैं तो ये हमें वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है, जबकि कार हमें वृद्धि करते हुए दिखाई नहीं देती। इसलिए चाहे ये गति भी कर रही है लेकिन ये क्या है, ये निर्जीव है, और ये जो है ये क्या है, ये सजीव है। आगे और देखो, कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। तो इसका अर्थ ये नहीं कि बादल सजीव हैं। कभी कभी हमको बादल भी कैसे दिखते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि वो भी क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। इन्होंने बोला भाई वृद्धि की बात है, तो लो हम क्या बोलेंगे कि बादल कभी कभी ऐसे होते हैं और फिर धीरे 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 क्या हो जाते हैं, ऐसा आकार बदल करके ऐसे कुछ हो जाते हैं। तो क्या ये सजीव हैं? तो नहीं, इनको भी हम सजीव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सजीवों के बाकी गुणों को क्या नहीं कर रहे हैं, उससे मेल नहीं खा रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। अब देखो, होता ये है कि सजीवों के क्या होते हैं, सजीवों के विशेष लक्षण होते हैं, ठीक है, विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, इनको निर्जीवों से अलग बना देते हैं। निर्जीवों में यह लक्षण नहीं देखने को मिलते, और जब निर्जीवों में ये लक्षण नहीं दिखते तो इसीलिए निर्जीव निर्जीव हो जाते हैं और सजीव क्या हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। हम यहाँ पे कुछ विशेष लक्षणों की बात करेंगे। अगर ये विशेष लक्षण जो भी इसका पालन करेगा वो कौन हो जाएगा, वो सजीव हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। ओके, चले आगे। चलो, पहला लक्षण क्या है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? पहली चीज कि सभी सजीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है, ये पहली चीज है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या सभी सजीव करते हैं, जैसे कि अभी गति वाली बात हुई थी, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, मैं जा पा रही हूँ, मैं सजीव हूँ, कुत्ता जा सकता है, बिल्ली जा सकती है, पर पेड़ नहीं जा पाते, लेकिन फिर भी हम पेड़ को सजीव कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ प्रश्न आएंगे कि क्या सभी सजीव भोजन करते हैं, या कुछ ऐसे सजीव भी हैं जो बिना भोजन के भी रह लेते हैं। तो चलो जानते हैं, भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। अब हम ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भोजन है वो हमारे लिए भी, और चाहे कोई सा भी जंतु हो, कोई सा भी जीव हो, उन सभी के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम तो भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरों पे निर्भर होते हैं, मनुष्य, जीव जंतु, ये क्या है, भोजन के लिए निर्भर हैं, ठीक है, पर भोजन तो करते हैं, निर्भर भले हैं लेकिन भोजन करते हैं। पौधे जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मतलब कि ये स्वपोषी होते हैं, ठीक है, स्वपोषी शॉर्ट में लिख दिया कि ये भोजन अपना स्वयं बना लेंगे। आगे देखो, जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, यही मैंने लिखा। जो जंतु होते हैं या हम हैं, इंसान हैं, हम अपने भोजन के लिए या तो हम पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे या किसी अन्य जंतुओं के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे पौधों से हम सब्जियां फल लेते हैं, है ना, सूखे मेवे हो गए। जंतुओं से हमें क्या, आप कुछ बोलेंगे मैडम हम तो जंतु को नहीं, तो जंतुओं से हम दूध लेते हैं, दूध से दही बनाते हैं, है ना, तो दूध हमें किससे मिल रहा है, जंतुओं से ही मिल रहा है ना। तो हम जंतुओं पर भी भोजन के लिए क्या हैं, हम सभी जो हैं वो निर्भर भी हैं, और पौधों पर भी हम क्या हैं, निर्भर हैं। आगे देखो, भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये जो भोजन है ये ज़रूरी क्यों है, क्यों है भाई ज़रूरी, भोजन जो है वो क्या करता है, वो
हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हमारे वृद्धि के लिए आवश्यक है। अभी हमने कहा था कि हम सभी जो हैं सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और वो वृद्धि किसकी वजह से कर पाते हैं? जब हम भोजन को खाते हैं तभी हम वृद्धि को कर पाते हैं। और साथ ही साथ भोजन हमें क्या करता है, वृद्धि करने में भाई कुछ ऊर्जा भी तो जाती है। तो वो जो ऊर्जा है वो कौन दे रहा है? वो हमें भोजन से ही प्राप्त हो रही है। तो भोजन से पहली चीज़ हमें काम करने की, बोलने की, हाथ पैर हिलाने की, ये जो सब मिल रही है ना, ये ऊर्जा प्रदान हमें भोजन ही कर रहा है। साथ के साथ हमारा शरीर हर पल क्या कर रहा होता है, वृद्धि कर रहा होता है। हमारे शरीर का कोई ना कोई भाग बढ़ रहा होता है। आप बोलोगे मैडम ऐसे हाइट तो नहीं बढ़ रही ना मेरी, मुझे तो मैं नहीं दिख रही है, दिख रहा कि लंबा हो गया एकदम से। तो आपको पता नहीं चलता आपकी हाइट कब बढ़ रही होती है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अच्छा चलो आप हाइट पर मत जाओ, लेकिन आप अपने नाखूनों को देखो। ऐसा नहीं आज आपने अपने नाखून काटे, 2-3 दिन बाद देखोगे वो थोड़े से बड़े हो गए। तो वृद्धि तो देखो हो रही है, नाखून बढ़ रहे हैं, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन हमारे शरीर में वृद्धि जो है वो होती रहती है। ठीक है, आगे देखो, सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी जो ऊर्जा है यह हमें किससे मिली? भोजन से। और इस ऊर्जा का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? वृद्धि में, साथ ही अन्य जैव प्रक्रमों में। अन्य जैव प्रक्रम मतलब मैडम? प्रश्न तो बहुत आते हैं बच्चों के दिमाग में, है ना? आते हैं कि नहीं आते? तुम लोग तो प्रश्न पूछते ही नहीं हो, कमेंट सेक्शन में कुछ तो लिखा करो कि हाँ मैम ऐसा प्रश्न आ रहा है। कुछ आता है कि नहीं आता है दिमाग में? पूछा करो, प्रश्न पूछोगे तो मैं उसके उत्तर दूंगी, उसके उत्तर दूंगी तो भाई आपके डाउट क्लियर होंगे और मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। तो ऐसे चैप्टर रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड जो रिलेवेंट हो, ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई मना नहीं करता, ना ही कि कोई सजा मिलेगी इसकी। तो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, साथ ही जब आपको सेशन अच्छा लगने लग जाए, मजा आने लग जाए तो लाइक भी कर दिया करो, है ना? इतनी कंजूसी क्यों भाई लाइक करने में, एकदम फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते, तो फटाफट लाइक भी कर दिया करो। तो हम कहाँ पे थे? हम थे अपने भोजन पे। भोजन से मिली ऊर्जा, ऊर्जा से मिली क्या? ऊर्जा से हमारी वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, और जब हाथ पैर काम कर रहे हैं इसके साथ हमें क्या बताई थी? अन्य जैव प्रक्रम। अब हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे कार्य होते रहते हैं, हमको पता नहीं है। पाचन की क्रिया, अगर हम बोलें हमारा भोजन जो है वो क्या हो रहा है, पचता है, पाचन होता है उसका, उसमें भी हमारे शरीर के जो अंग पाचन में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, पाचन की प्रक्रिया में जो सम्मिलित हैं वो सभी को क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। जैसे अगर मुझे दौड़ना है एक रेस के लिए, तो मुझे दौड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो मैं क्या करूँगी? खाना, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाऊँगी, है ना, कुछ ऐसा लूँगी जो मुझे ऊर्जा दे। तो ऐसे जब हमारे शरीर के अंदर के भाग जो हैं वो भी जब कार्य करेंगे तो उनको भी तो ऊर्जा चाहिए। तो वो जो ऊर्जा है, ये जो भोजन से ऊर्जा मिली, ये हमारी वृद्धि भी कर रही है, साथ में जो अन्य जैव प्रक्रम हमारे शरीर के अंदर हो, बाहर हो, जो हो रहे हैं, उन सभी में भी उस ऊर्जा की क्या होती है, हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई कि सभी जीव जो हैं उनको क्या, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। अब क्या आप निर्जीव में देख लो, निर्जीव में क्या किसी को भोजन की आवश्यकता होती है? टेबल को खाना खिलाने जाते हो क्या रोज रोज, या कुर्सी को खाना खिलाते हो? चलो भाई कुर्सी खाना खा लो, टेबल खाना खा लो, मेरी कार चलो बेटा आज तुम्हारे लिए अच्छे टेस्टी भोजन बनाए खा लो, ऐसा कुछ करते हो क्या? नहीं करना पड़ता ना, वो ना तो भोजन मांगते हैं ना उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता किसे हो रही है? सजीवों को हो रही है। तो जितने भी सजीव हैं उन्हें क्या, भोजन की आवश्यकता होती है। ये पहला लक्षण है। दूसरे लक्षण की बात करेंगे अब। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? अब वृद्धि, भोजन क्या, भोजन से मिली ऊर्जा, ऊर्जा से हुई वृद्धि। अब हम वृद्धि पे ही आ जाते हैं कि जितने भी सजीव हैं क्या उन सभी में वृद्धि देखने को मिलती है? क्या सभी जीव जो है वो वृद्धि करते हैं? तो चलो पहले हम बात करते हैं क्या है ये। जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं हमारा शरीर लंबा होता जाता है। अब जैसे जैसे 1 साल 2 साल, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वर्ष के साथ साथ, है ना, हम अपना बर्थडे मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? हम एक कैंडल लगाते हैं, जितने साल के हम हो गए हैं उतने साल के हम कैंडल लगाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो ना, तो वो क्या है, वो वर्ष बीत रहे हैं, हमारे पैदा होने के बाद के वर्ष बीत रहे हैं। और जैसे जैसे हम बीतते जाओगे, आप अपना फोटो एल्बम उठा के देखना, अगर आपने अपने हर बर्थडे की फोटो लिया तो आप देखोगे जब आप 1 साल के थे तो आप छोटे थे, 2 साल में थोड़े से बड़े हो गए, 3 साल में थोड़े से और लंबे हो गए। तो आपका शरीर क्या हो रहा है, लंबा होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आपके साल बीत रहे हैं, वर्ष बीत रहे हैं, आपका शरीर क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। ठीक है,
इसका आभास नहीं होता, लेकिन हर समय हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद हम वयस्क हो जाएंगे। अब आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन धीरे 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 हमारा शरीर क्या हो रहा है, वृद्धि करता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि कुछ वर्षों के बाद हम क्या कहलाने लगेंगे, हम वयस्क कहलाने लगेंगे। हमारी जो शरीर की वृद्धि है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो वहाँ तक वो वृद्धि होती रहेगी। अब यहाँ पे एक फोटो देखोगे कि एक शिशु में वृद्धि कैसे होती है कि वो वयस्क हो जाता है। पहले वो इतना छोटा सा होता है, पहले बहुत छोटा सा होता है, पहले वो पूरे टाइम बेड पे रहता है ना, कोई उसे गोद में ले लेता है, कोई उसे लिटा देता है, वो चल नहीं सकता। चलना तो दूर की बात है, वो पलट भी नहीं पाता है। पहले तो वो पूरे टाइम एक ही पोजीशन में लेटा रहता है। धीरे धीरे वो उसके शरीर में वृद्धि होती है, वो पलटना जानने लगता है, बैठना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो कैसे ऐसे बैठना शुरू करता है ना। तो ये वृद्धि हो रही है, तभी तो पहले उसे बैठना नहीं आता था, अब वो बैठने लग गया। उसका शरीर का आकार भी, लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर उसके बाद वो क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है ना, अपने घुटनों से चलने लगता है। तो पहले उसे चलना नहीं आता, पहले सिर्फ बैठना सीखा था, बैठने से वो चलना सीख रहा है, लेकिन चलना भी उसे प्रॉपर नहीं आ रहा है। वृद्धि हो रही है उसमें, लेकिन उसके शरीर बढ़ रहे हैं, अंग बढ़ रहे हैं, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो अब वो अपने शरीर का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, वो क्रॉलिंग शुरू कर देगा। धीरे धीरे वो ऐसे जब चलने लगेगा, फिर वो चीज़ों को पकड़ के खड़ा होने लगेगा, ठीक है। वृद्धि देख रहे हो आप कैसे हो रही है, खड़ा होगा, खड़े होगा, उसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ी, खड़ा होगा, चलना शुरू करेगा, कुछ दिनों में दौड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। धीरे 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 वो अच्छे तरीके से चलना दौड़ना सीख जाएगा। अब उसकी हाइट आप देखोगे कि पहले वो इतना छोटा था, धीरे 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 बड़े होते होते वो इतना बड़ा हो गया। फिर जब वो वयस्क हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा और उसके शरीर की वृद्धि क्या हो जाएगी, तब रुक जाएगी, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमारा शरीर कितना बदल गया। तो ये क्या हो रही है, ये वृद्धि ही तो हो रही है। तो सभी सजीवों में आपको क्या दिखेगा, वृद्धि दिखाई देगी, वृद्धि परिलक्षित होगी, ठीक है। आगे देखो, जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मनुष्य का उदाहरण दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने मनुष्य हैं सिर्फ वही वृद्धि करते हैं, नहीं, जो जानवर हैं, जंतु हैं, उनके भी बच्चों में वृद्धि दिखाई देती है। इसी प्रकार कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। अब आपने कुत्ते के जो पिल्ले देखे होंगे, पपीज देखे होंगे, वो पहले कितने छोटे छोटे रहते हैं, उनकी आंखें भी नहीं खुली रहती, धीरे धीरे वो क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। वो बड़े होते हैं, फिर वो उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर धीरे 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 करते करते क्या हो जाते हैं, वो एक वयस्क कुत्ते में बदल जाते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, हमको उनके शरीर में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। बिल्ली की बात करें, बिल्ली के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 वो भी बड़े होते होते बिल्ली जितने बन जाते हैं, है ना। गाय के बच्चों की बात करें तो वो कितना छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे वो भी बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, और बड़े होते होते क्या हो गया, वो भी जैसी गाय है उसके जैसा बड़ा हो जाता है। तो ये जितने सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं करेंगे, जो जंतु होते हैं उनमें भी हमें क्या देखने को मिलती है, उनमें भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो चाहे मनुष्य हो, चाहे जंतु हो, चाहे पौधे हो, उनमें भी हमें क्या देखने को मिलेगी, उनमें भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, ओके। अब देखो, एक अंडे से क्या होगा, एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा, एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गी में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या देखने को मिल रहा है कि एक अंडे में से, देखो यहाँ पे देखोगे कि एक अंडा होता है, ठीक है, और उस अंडे में से पहले क्या होता है, उसके अंदर जो जीव है वो क्या होता है, उसमें वृद्धि होती रहती है, वो बनता रहता है। फिर उसके बाद जब वो पूरी तरह से बन जाता है अंडे के अंदर, तो वो क्या करता है, वो क्रैक आते हैं और फिर उसमें से क्या निकलता है, एक चूजा निकलता है, ठीक है। वो चूजा कितना छोटा सा होता है, हमको बिल्कुल ऐसा लगता भी नहीं कि वो बड़ा होकर इस तरह ऐसा बन जाएगा, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तो वो चूजा भी धीरे 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 वृद्धि करेगा, फिर वो इस स्टेज पे आएगा, फिर उसके बाद वो क्या बन जाएगा, मुर्गा या मुर्गी बन जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें भी, इनमें भी क्या दिख रही है, इनमें भी वृद्धि दिख रही है। जो अंडे में पैदा हो रहे हैं, इसमें बन रहे हैं, उसके बाद फिर एक जीव के रूप में निकल आते हैं, और फिर धीरे धीरे वो वृद्धि दिखा के अपने वयस्क रूप में पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है कि अंडे से भी हमको देखने को मिलता है कि उसमें भी जो जीव है वो क्या कर रहा होता है, वृद्धि कर रहा होता है।
इसके बाद देखेंगे कि पौधे भी वृद्धि करते हैं। अब अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। पौधा पहले कैसा होता है, छोटा सा बीज होता है, बीज से फिर क्या निकलते हैं, छोटे छोटे से अंकुरण निकलते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता है, पत्तियां आने लगती हैं, पौधा बनता है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका तना आएगा पतला सा, धीरे धीरे शाखाएं दिखेंगी और शाखाएं बढ़ती जाएंगी, तना और मोटा होता चला जाएगा, शाखाएं क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी और जब ये वयस्क हो जाएगा तो अपने प्रॉपर पूरे एक तरीके से आ जाएगा कि कितना मोटा इसका तना होना है, कितनी ज़्यादा शाखाएं, कितना छायादार ये दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये पेड़ का वयस्क रूप हो जाएगा, नीचे जड़ें भी बड़ी हो जाएंगी। तो क्या हुआ, इसमें भी तो वृद्धि हुई, था तो हमने लगाया तो छोटा सा बीज था और वो छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ बन गया, तो वो उसमें भी तो हमें क्या देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली। अपने चारों ओर कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जिनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। अब हम अपने आसपास ना कई तरह के पौधे देखते हैं, कुछ तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ अभी नवजात हैं उग ही रहे हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो अच्छे बड़े बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, ठीक है, विकसित होते हैं। ये सभी वृद्धि के विभिन्न चरण पार कर वयस्क हो जाते हैं और ये सभी जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये वृद्धि के जो विभिन्न चरण हैं, मतलब पहले क्या बहुत छोटे हैं, फिर उसके बाद ये बाल अवस्था शिशु अवस्था में थे, शिशु से फिर उससे थोड़े बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए और इस प्रकार से करते करते ये जो वृद्धि के विभिन्न चरण हैं इनको पार करते करते क्या बन जाते हैं, ये सभी वयस्क हो जाते हैं, ठीक है। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। अब कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ सप्ताह हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमने बीज लगाया तुरंत उसमें वृद्धि देखने को मिल जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ दिनों के बाद, कुछ सप्ताह के बाद, कुछ तो ऐसे होते हैं जो महीनों बाद अपनी वृद्धि दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। अब क्या है, वृद्धि जो है वो भी किस में होती है, सभी सजीवों में होती है, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया भाई, हमने पहले भोजन की आवश्यकता देखी, तो ये भी किसे, सभी सजीवों में देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें किसकी, वृद्धि की, तो ये भी किसमें, सभी सजीवों में आपको देखने को मिलेगी। तो ये दो लक्षण तो हो गए जो क्या है, जो सभी सजीवों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखें, अब आगे है हमारा कि क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन मतलब कि सांस लेना, सांस छोड़ना, ये क्या है, श्वसन है, ठीक है। तो भाई सजीव और निर्जीव में ध्यान देते चलना आप सब, ओके। श्वास लेते समय बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, तो बाहर जो हमारे चारों तरफ हवा होती है वो अंदर जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर लेते हैं, तो हमारे जो बाहर की वायु थी वो कहाँ गई, अंदर गई। फिर उसके बाद श्वास छोड़ते समय शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। अब जब हम श्वास सांस को छोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे अंदर वायु होती है वो बाहर निकलती है ना, तो अंदर ली फिर बाहर छोड़ी, अंदर ली फिर बाहर छोड़ी, यही क्या कहलाता है, ये श्वसन कहलाता है। श्वास लेना श्वसन की क्रिया का एक हिस्सा है। अब सांस लेना और सांस छोड़ना ये क्या है, ये श्वसन की क्रिया का क्या है, एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। अब श्वसन में हमने क्या लिया, अंदर हमने ली ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन की मात्रा का क्या होता है, अंदर विभिन्न कार्यों में उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। अब क्या हुआ कि हमने अपने नाक के द्वारा हमने ऑक्सीजन तो ले ली, ठीक है। अब इसका अंदर जाकर के कई कार्यों में इसका प्रयोग होगा और अंदर क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी श्वसन की क्रिया हो गई। आगे देखो, गाय भैंस कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। अब अगर हम बात करें हम जंतुओं में कैसे, हम अच्छा मनुष्यों में कैसे होती है, मनुष्यों की श्वसन क्रिया कैसे होती है, तो श्वसन क्रिया जो है हमारी ये होती है, हमारी श्वसन तंत्र के द्वारा। और हमारा श्वसन, हमारे श्वसन तंत्र में जो मुख्य अंग है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं वो क्या है, फेफड़े, मतलब कि लंग्स, ठीक है।
तो हम फेफड़े के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं। तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और भी इसी तरह के जो जंतु होते हैं, उन सभी में भी जैसे हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, ये भी फेफड़ों से सांस लेते हैं, ये हमारी ही तरह श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। अभी जो श्वसन है ना, ये भी सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। जैसे भोजन आवश्यक था, वृद्धि आवश्यक है, ऐसे ही श्वसन भी सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। क्योंकि सांस नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। जब कोई इंसान या कोई जंतु जीवित नहीं रहता तो सबसे पहले उसकी सांस चेक की जाती है कि सांसें चल रही है कि नहीं। जैसे सांस बंद हुई मतलब कि वो मृत्यु हो गई उसकी, है ना। तो श्वसन जो है वो सभी सजीवों के लिए आवश्यक है जीवित रहने के लिए। तो ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब हमने ये जो भोजन ग्रहण किया होता है ना, तो ये जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो इसमें क्या, जो श्वसन के द्वारा हमने ऑक्सीजन ली होती है वो उसमें घुल मिल जाती है और हमें उसके द्वारा ही क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इस वजह से भी श्वसन क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। अब कुछ जंतुओं में अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे कुछ जंतुओं की बात करी जिनके श्वसन का तरीका तो बिल्कुल हमारे जैसा था, लेकिन कुछ ऐसे जंतु भी हैं जिनमें श्वसन का तरीका कुछ अलग हो सकता है। उनमें ये जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, इसके तरीके में कुछ अलग तरह से देखने को मिल सकता है। दूसरा, उनके कुछ अलग अंग भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें केंचुआ की, तो केंचुए जो होते हैं वो अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। उनमें फेफड़े नहीं होते, नाक नहीं होती है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। वो किसके द्वारा, अपनी त्वचा के द्वारा, अपनी स्किन के द्वारा ही सांस लेते हैं। मछली की बात करें तो मछली में गिल होते हैं, उनके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, जिनकी सहायता से वो जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, तो मछलियों में क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, जिनको हम में लंग्स कहते हैं, उनके में गिल्स कहते हैं। गिल्स जो होते हैं उसके द्वारा जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, मछलियाँ उस ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा क्या करती हैं, अंदर अंतर्ग्रहण करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। अब अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधों में क्या होगा, जो उनकी श्वसन की प्रक्रिया होती है ये किसके द्वारा होती है, तो ये होती है इनमें उपस्थित किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। अब क्या करती हैं कि ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, इनके जो रंध्र हैं मतलब कि स्टोमेटा है, इससे ये क्या करेंगे, वायु को अंदर लेंगी। वायु में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन भी, मतलब जब ये श्वसन ले रही हैं तो वायु ही अंदर जा रही है। अब उसमें से क्या करती हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रयोग कर लेती हैं, कब, जब भोजन बनाती हैं, ठीक है। वह ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं, और क्या करती हैं, ऑक्सीजन को वायु में निष्कासित कर देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, मतलब कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो उस समय ये जो इन्होंने श्वसन में क्या ली थी, श्वसन जब इन्होंने किया तो इन्होंने भी वायु ली। वायु में क्या थी भाई, वायु में ऑक्सीजन भी थी और ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी थी। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कर लिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बनाने में, और क्या किया, उससे इन्होंने ऑक्सीजन जो बनी है उसको क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, ठीक है, ओके। आगे देखेंगे, ये मैं यहाँ पे बने रहने देती हूँ। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। अभी जो श्वसन की क्रिया है पौधों में, ये क्या होती है, दिन रात दोनों ही समय चलती रहती है। जैसे हम में चलती रहती है, ऐसे इनमें भी चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब पौधे में क्या है, दो कार्य हो रहे हैं भाई, देखो
पौधे श्वसन भी लेते करते हैं पत्तियों के माध्यम से, और ये अपना भोजन भी बनाते हैं जो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग करते हैं और हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में देते हैं जिसका उपयोग हम करते हैं। लेकिन जब ये श्वसन करते हैं तो उसमें ये जो ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, क्योंकि जब ये भोजन पकाते हैं उस समय इनको अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये उसका अवशोषण करते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण करते ही नहीं हैं। जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। और ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, आगे एक और लक्षण है। हमने तीन लक्षण देख लिए, ध्यान देते रहना, भोजन, वृद्धि और श्वसन, ये तीन लक्षण हमने देख लिए जो किन में पाए जाते हैं, सजीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, किसके प्रति, उद्दीपन के प्रति। तो देखो उद्दीपन क्या है, जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। अब क्या होगा जब जंगली जानवरों पर क्या करेंगे, हम तीव्र प्रकाश डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो भाग खड़े होते हैं, वो भाग जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। ऐसे क्या होता है जब हम कभी एकदम से किसी कमरे में लाइट जला देते हैं और जिस जगह पे क्या होते हैं, कॉकरोच होते हैं, तो वो कॉकरोच भी क्या होते हैं, एकदम से भाग जाते हैं और अंधेरे स्थान में जा करके छुप जाते हैं। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करें रात रानी, तो ऐसे कुछ पौधे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ क्या किस समय, रात्रि के समय ही क्या करते हैं, खिलते हैं, उनके जो फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो रात्रि के समय ही खिलती हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जो सूर्यास्त होते ही क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है, उनकी पत्तियां हैं वो भी बंद हो जाती हैं और अपने आप मतलब कैसी ढल सी जाती हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, छुई मुई मतलब कि गुल मेहंदी पौधे की, तो इसकी पत्तियां जो हैं वो छूने पर अचानक क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं। आपने देखा होगा ये क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं, मुरझा जाती हैं। ये पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। अब ये क्या दर्शाता है कि पौधों में क्या देखने को मिल रहा है, पौधों में उद्दीपन के प्रति क्या देखने को मिली, हमें अनुक्रिया देखने को मिली, मतलब उद्दीपन हुआ तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अनुक्रिया उसके प्रति की, ये देखने को मिल रहा है। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। अब क्या करती हैं, जितने भी सजीव हैं वो क्या करेंगे, वो अपने आसपास होने वाले जो भी परिवर्तन है उसके प्रति क्या दर्शाएंगे, अनुक्रिया दर्शाएंगे, ठीक है, ओके। तो क्या निकालेंगे हम कि अनुक्रिया करती है। देखो उद्दीपन की अगर मैं बात कर लूँ, क्या करूँ, उद्दीपन की बात करूँ, तो ये जो उद्दीपन शब्द यूज़ हो रहा है ना, ये है किसी भी कोई भी परिवर्तन, कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, है ना। एकदम से धूप आएगी, अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए एकदम से लाइट जला देंगे तो आप थोड़ा सा ऐसे कुछ होगा, अपनी आंखों पे क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तो क्या देखने को, हम अनुक्रिया करेंगे।
तो कोई भी जो सजीव होते हैं, चाहे वो पौधा हो, चाहे जीव जंतु, चाहे कीड़े हो, कोई भी हो, वो क्या करते हैं, जितने भी सजीव हैं, जब उनके परिवेश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वो क्या करते हैं, उसके प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, उसके प्रति क्या करते हैं, गति दिखाते हैं, मतलब अनुक्रिया, एक क्रिया करते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि कोई भी एक्शन होता है तो हम रिएक्शन करते हैं, तो वही कि कोई भी परिवर्तन होगा तो हम उसके प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो ये भी एक सजीवों का क्या हो गया, लक्षण हो गया। ठीक है, आगे देखें। चलो आगे हमारे पास क्या आ जाती है, एक क्रियाकलाप आ जाती है। क्या है हमारे पास, एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप नंबर 4। क्या कह रहे हैं इस क्रियाकलाप में, एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप, मतलब कि सूर्य का प्रकाश आता हो, उसके पास एक पौधे का गमला रखिए। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या ये पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? तो अब देखो क्या कहा इन्होंने कि बाहर क्या थे, सारे पौधे रखे हुए थे और वो अपनी अच्छी खासी वृद्धि कर रहे थे। तो जो सारे पौधे हैं वो वृद्धि कैसे करेंगे, क्योंकि वो बाहर खुले स्थान पर रखे हैं, धूप उनके सभी भागों पर आ रही है, तो उनकी जो वृद्धि है वो हर दिशा में हो रही होगी। लेकिन जब हम एक पौधे को खिड़की के पास ला करके रख देंगे तो आधा भाग उसका कहाँ है, छुपा हुआ है, और आधे भाग में धूप आ रही है। तो क्योंकि इनको धूप ज़रूरी होती है तो इनका जो शरीर है वो किस तरफ मुड़ जाएगा, जिस तरफ धूप आ रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, उद्दीपन हमको दिखाई दे रहा है कि जब कोई परिवर्तन उनके परिवेश में किया गया तो उन्होंने क्या किया, क्रिया की, एक अनुक्रिया दिखाई कि अगर आप मुझे यहाँ अंधेरा दोगे तो जिधर धूप है मैं उस तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगा। तो इन्होंने हमसे प्रश्न क्या पूछा था कि स्थान पर रखे पौधे, क्या ये सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो नहीं, ऊपर की नहीं, ये सूर्य के प्रकाश की तरफ वृद्धि करेगा। यदि ये सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए किस ओर मुड़ता है, तो ये उस ओर मुड़ता है जिस ओर से सूर्य का प्रकाश इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, क्या ये किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है, तो बिल्कुल, ये जो एक उद्दीपन हो रहा है यहाँ पर, इसके परिवेश में परिवर्तन किया गया, ये उसके प्रति क्या है, अनुक्रिया दिखा रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा है इस पौधे के सूर्य के प्रकाश के प्रति अनुक्रिया, तो सूर्य के प्रकाश के प्रति ये क्या करेगा, अनुक्रिया दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भाई कुछ जीवों के पास, जो हमारे आसपास के जीव हैं, उनके सजीवों के लक्षणों की बात की, लेकिन ये क्या था, ये हमारा पार्ट 1 था। अभी हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका जो पार्ट 2 है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखने के लिए और आगे आने वाली सभी वीडियो के लिए, इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं बता दूं, हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज, जैसे कि बात करें CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और यही नहीं, इसके साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश जैसे टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।